सो हाई एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.1 के, जो बचे हुए हमारे सवाल 8 नंबर थे उनसे हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में हल करेंगे। और अभ्यास 7.1 के सारे वीडियोज आपको उपलब्ध हैं और जाइए उसे प्लेलिस्ट से देखकर जरूर आइए। तो हम लोग चलते हुए हल करते हैं अभ्यास 7.1 के 8वें सवाल का। 8वां सवाल हमसे क्या कर रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी का जो मात्रक है वह 10 मात्रक है। कितना है, 10 मात्रक है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो जो इसका P और Q की दूरी दिया है, पी क्यू की दूरी दिया है वह 10 मात्रक दिया है। वह कितना दिया है, 10 मात्रक दिया है। और कह रहा है जो बिंदु P है इसका निर्देश दिया है 2, -3 और जो हमारा Q का निर्देश दिया है वह दिया है 10, y दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको P को निर्देशित करते हैं। तो P को निर्देशित करने के लिए x1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 और y1 बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना, -3 और x2 बराबर हो जाएगा 10 और y2 बराबर हो जाएगा कितना, y। अब इसके बीच की दूरी को हम लोग कैलकुलेट करने का सूत्र जानते हैं, d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का हमारा देखो यहां पर वैल्यू दिया है 10 माइनस x1 का वैल्यू दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दिया है y माइनस y1 का वैल्यू दिया है -3 का होल स्क्वायर। और हमारा जो d है, जो PQ के बीच की दूरी जिसको हम लोग मात्रक बोलते थे d, वह भी हमारा दिया है कितना, 10। आइए हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट 10 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस गुड़े माइनस बराबर हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 8 × 8 = 64 प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो a y स्क्वायर प्लस 3 × 9 प्लस 3 × 2 = 6 और यहां पर देखो 2 ab होता है, 2 × 3 = 6 और a का मान दिया y, तो हो जाएगा 6y बराबर अंडर रूट। तो हो जाएगा 64 में 6 को जोड़, 64 में 9 को हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमारा 9 और 4 हो जाएगा 13 का 3 हासिल लगा, 6 × 1 हो गया कितना, 7 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब हम लोगों को बराबर है 10। अब क्या करेंगे, यहां पर अंडर रूट है, अब अंडर रूट हम लोग जानते हैं, अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का करना पड़ेगा वर्ग, या फिर हम लोग जानते हैं अंडर रूट अगर किसी तरफ और दूसरे तरफ पक्षांतर होता है तो स्क्वायर में हो जाता है। यह हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। क्या करेंगे, 10 दहा में हो जाएगा 100 माइनस या प्लस 73 इधर आएगा -73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करेंगे, 100 में से 73 को घटा देंगे तो 10 10 में से 3 गया 7, फिर यहां पर बचा 9, 9 में से 7 गया 2 बराबर हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब क्या करेंगे, यह प्लस वाई 27 है इधर जाएगा तो -27 हो जाएगा, हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y - 27 बराबर 0। या फिर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर प्लस 6y - 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, यह जो 27 है इसका इस तरह से गुणा कीजिए कि गुणा करने पर 27 मिले, जोड़ने और घटाने पर कितना मिले, जोड़ने और घटाने पर 6 मिले। तो हम लोग क्या करते हैं, 9 का गुणा 3 में करते हैं, 9 × 3 हो जाएगा 27 और 9 में से 3 को घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 6। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 9y माइनस 3y - 27 बराबर कितना, 0। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है था, वाई कॉमन, हो जाएगा वाई प्लस 9, यहां से माइनस 3 को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा वाई प्लस कितना, 9।
बराबर जीरो हो जाएगा। अब वाई प्लस नौ यहां पर, वाई प्लस नौ यहां पर, तो वाई प्लस नौ एक कोष्टक में, यहां पर माइनस तीन, तो वाई माइनस तीन बराबर कितना हो गया, जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, यक्स गुड़े अगर वाई बराबर जीरो है तो यक्स बराबर भी जीरो होता है और वाई बराबर भी क्या होता है, जीरो होता है। हम लोग आइए इसको अब निकाल लेते हैं, तो यक्स वाई प्लस नौ बराबर दिया है जीरो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस नौ, और y माइनस तीन बराबर दिया है जीरो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तीन। अतः जो हमारा y का मान पूछ रहा था, एक बार y का मान अगर हम लोग माइनस नौ मिला और एक बार हम लोगों को कितना मिला, तीन मिला, जो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर वह हो जाएगा हमारा माइनस नौ कामा कितना, तीन। इस प्रकार क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को जो आपका सवाल है उसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, तो नौवा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि यदि क्यू जो है वह जीरो कामा एक बिंदुओं पी पांच कामा माइनस तीन और आर यक्स कामा छह से समान दूरी पर है, तो बताइए हमें इसमें जो यक्स का मान क्या होगा और जो हमारा क्यू आर है वह कितना प्राप्त होगा और जो हमारा पी आर है वह कितना प्राप्त होगा। तो पहले सवाल को ध्यान से समझिए, सवाल आपसे कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है कि क्यू बिंदुओं पी और आर से समान दूरी पर है, यानी हम लोग सबसे पहले एक रेखा का निर्माण करते हैं और उसको पी क्यू और आर नाम देते हैं। पी का निर्देश दिया है पांच कामा माइनस तीन, क्यू का निर्देश दिया है जीरो कामा एक, आर का निर्देश दिया है यक्स कामा छह। अब कह रहा है ये दोनों आपस में सम दूरस्थ हैं, यानी इसको हम लोग हल करेंगे तो सॉल्व पी क्यू और जो क्यू आर है वह आपस में क्या है, सम दूरस्थ हैं। क्या है, सम दूरस्थ हैं। तो इसमें हमें तब पहला कह रहा है सवाल, इसमें यक्स की वैल्यू को निकालिए, फिर क्यू आर को बताइए और पी आर को बताइए। तो आइए हम सबसे पहले पी आर, पी और क्यू के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। पी से क्यू की बीच की दूरी को हम लोग निकाल लेते हैं, तो पी क्यू के बीच की दूरी, बीच की दूरी, तो यहां पर हमारा पी है, पी का निर्देश हम लोगों को दिया है कितना, दिया है पांच कामा माइनस तीन, तो यक्स वन हो जाएगा पांच और वाई वन हो जाएगा माइनस तीन, और हमारा क्यू दिया है जीरो कामा एक, तो यक्स टू बराबर हो जाएगा जीरो और वाई टू बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब हम लोग इसको दूरी के सूत्र में पी क्यू के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। पी क्यू बराबर अंडर रूट यक्स टू का मान दिया है जीरो माइनस यक्स वन का मान दिया है पांच का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान दिया है एक माइनस वाई वन का मान दिया है माइनस तीन का होल स्क्वायर। जीरो में से पांच को घटाएंगे तो बचेगा माइनस पांच, पांच का माइनस पांच का स्क्वायर करेंगे पांच पचे पच्चीस प्लस एक है माइनस एक का गुणा माइनस एक में प्लस एक हो जाएगा और हो जाएगा तीन एक चार और चार का स्क्वायर करेंगे चार चौका कितना हो जाएगा सोलह, पच्चीस में सोलह को जोड़ देंगे छह पांच ग्यारह का एक हासिल लगा एक दो एक तीन तीन एक चार इकाई आ गया, कितना आ गया 41 इकाई मात्रक इसका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू से आर के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू से आर के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। क्यू आर के बीच की दूरी, तो जो हमारा क्यू का निर्देश दिया है वह जीरो कामा एक, तो इसका यक्स वन बराबर हो जाएगा जीरो और वाई वन बराबर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसके बाद हमारा आर का निर्देश दिया है कितना, यक्स कामा छह और यक्स टू बराबर हो जाएगा यक्स और वाई टू बराबर हो जाएगा कितना, छह। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बीच की दूरी में रखकर हल कर लेते हैं, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट यक्स टू, यक्स टू का मान हमारा कितना दिया है यक्स माइनस यक्स वन का मान दिया जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू का मान दिया है छह माइनस वाई वन का मान दिया एक का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट यक्स माइनस वन का करेंगे तो यक्स होगा यक्स स्क्वायर प्लस छह में से एक घटाएंगे तो बचेगा पांच, पांच की स्क्वायर पांच पचे
25 हो जाएगा, यानी यक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया 25 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है ये दोनों आपस के समान दूरी पर हैं, ये दोनों आपस में जो पी क्यू है वह क्यू आर आपस में क्या है सम दूरस्थ हैं, तो हमें क्या करना है यक्स का वैल्यू, तो इस प्रकार हमारा क्यू आर की बीच की दूरी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पी क्यू है वह क्यू आर के आपस में क्या है बराबर है, जो पी क्यू है वह क्यू आर के आपस में बराबर है, तो इन दोनों को हम लोग आइए आपस में बराबर कर देते हैं। तो पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू का मान हम लोगों को मिला है कितना अंडर रूट 41 बराबर, क्यू आर का मान हम लोगों को मिला है अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस 25। अभी अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, बचा 41 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, अब प्लस 25 है इसको इस तरफ भेज देंगे, 41 माइनस 25 बराबर यक्स स्क्वायर। अब 41 में से 25 को घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 16 बराबर यक्स स्क्वायर। ये अब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो यह अंडर रूट हो जाएगा 16 और यक्स हो जाएगा। अब 16 किसका वर्ग होता है प्लस माइनस 4 का, यानी जो हमसे यक्स का मान पूछ रहा था वह कितना पूछ रहा था, वह आ गया हमारा प्लस माइनस 4 आ गया। इतना आप लोगों को डाउट क्लियर हुआ। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि क्यू आर की दूरी बताइए, क्यू से आर के बीच की दूरी बताइए और पी से आर के बीच की दूरी निकालिए, कब, जब हमें यक्स बराबर कितना मिल गया प्लस माइनस 4 मिल गया। तो भाई हम लोग क्या करते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं इसके बीच की दूरी को निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को दिया गया है क्या कि जो हमारा P का निर्देश है वह दिया गया है कितना 5 - 3 और Q का निर्देश 0 - 1 और R का निर्देश यक्ष कामा 6 है। और जब हम लोगों ने यक्ष का दूरी को निकाल लिया तो यक्ष बराबर हम लोगों को कितना मिला था 4 मिला था, कितना मिला था 4 मिला था। अब आइए हम लोग क्या करते हैं एक एक करके क्यू आर के बीच की दूरी, तो लिखेंगे क्यू आर के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट यक्स 2। हम लोग इसको निर्देश कर लेते हैं, क्यू का निर्देश हो जाएगा 0 - 1 यानी यक्स 1 बराबर हो जाएगा 0 और वाई 1 बराबर 1 हो जाएगा, और क्यू आर, आर का निर्देश है 4 - 6 और यक्स 2 बराबर हो जाएगा 4 और वाई 2 बराबर हो जाएगा कितना 6। अब अंडर रूट है यक्स 2, यक्स 2 होता है हम लोग बीच की दूरी यक्स 2 माइनस यक्स 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई 2 माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर होता है, हम लोगों को पता है। तो यक्स 2 का मान हम लोगों को दिया है कितना 4 माइनस यक्स 1 का मान दिया 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई 2 का मान दिया है 6 माइनस वाई 1 का मान दिया 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 में से 0 को घटाएंगे बचेगा 4, 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे बचेगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 बचे 25 बराबर 16 में 25 को जोड़ देते हैं 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2, 1, 3, 1, 4 यानी जो हमारे क्यू आर के बीच की दूरी आ गया वह कितना आ गया अंडर रूट 41 इकाई, कितना आ गया अंडर रूट 41 इकाई आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी पता चल गया, अब हम लोग पी और आर के बीच की दूरी को निकाल लेते हैं। तो पी आर के बीच की दूरी, पी आर के बीच की दूरी, बीच की दूरी, जो हमारा पी का निर्देश दिया है वह कितना दिया हुआ है, वह दिया है 5 कामा
-3, तो हमारा एक्स वन बराबर हो जाएगा 5 और वाई वन बराबर हो जाएगा -3, और आर हमारा दिया है 4,6, तो एक्स टू बराबर हो जाएगा 4 और वाई टू बराबर कितना हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करते हैं, बीच की दूरी में रख लेते हैं पी आर बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया है 4 माइनस x1 का मान दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 6 माइनस और y1 का मान दिया है -3 का होल स्क्वायर। 4 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 है माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस और 3 हो जाएगा स्क्वायर। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1 और 6 में 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 9 9 81, 81 में 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 82 मात्रा की इकाई, 82 इसका मात्रक इकाई आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमसे पूछ रहा था क्यू आर और पी आर के बीच की जो दूरी क्या होगी, जो पी आर और क्यू आर के बीच की दूरी थी वह पी क्यू आर के बीच की दूरी वह अंडर रूट 41 इकाई मात्रक आ गया, और जो पी आर के बीच की दूरी थी वह अंडर रूट 82 इकाई मात्रक आ गया। इस प्रकार जो हमारा 9वां सवाल दिया हुआ था जो हमसे पूछ रहा था यक्स का मान, क्यू आर का मान और पी आर का मान, यह पूर्ण रूप से हमारा क्या हो जाता है, हल हो जाता है। आप इसको क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा 10 नंबर हमसे क्या कहता है, तो 10वां सवाल हमसे क्या कह रहा है कि x और y का संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु xy बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है समान दूरी पर हैं, कि बिंदु xy जो है वह 3,6 और -3,4 से क्या है समान दूरी पर स्थित है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेखा ग्राफ के द्वारा इसको प्रदर्शित करके फिर हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो आइए हम लोग एक डायग्राम प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले इसको कि इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु P, इसको हम लोग क्या कर मान लेते हैं बिंदु P 3,6, इसको मान लेते हैं बिंदु Q x,y, इसको मान लेते हैं बिंदु R -3,4। तो देखो हमारा जो इसको मान लेते हैं बिंदु P बनाते हैं, इसको Q बनाते हैं और इसको हम लोग क्या बनाते हैं R। जो P का निर्देश दिया है वह 3,6, जो Q का निर्देश दिया है x,y, R का निर्देश दिया है -3,4। अब हम लोग क्या करेंगे, करक इसके बीच की समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ मतलब समान दूरी है, उनके बीच की दूरी को हमको पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे PQ बराबर क्या है QR है, समान दूरी पर है तो PQ के बीच की दूरी को निकालते हैं, PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी जो P का हमारा निर्देश दिया है वह दिया है P के निर्देश 3,6, तो x1 बराबर हो जाएगा 3 और y1 बराबर हो जाएगा 6। Q के निर्देश दिया है x,y, यानी x2 बराबर हो जाएगा x और y2 बराबर हो जाएगा y। अब बीच की दूरी को हम लोग हल निकाल लेते हैं, बीच की दूरी d बराबर होता है PQ बराबर अंडर रूट x2 का मान दिया है x माइनस x1 का मान दिया 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया y माइनस y1 का मान दिया 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x-3 या a-b के होल स्क्वायर पर आधारित हो गया, क्या हो जाएगा x2 -3 का होल स्क्वायर मतलब प्लस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 3 9 -3 2 6x प्लस y2 माइनस था हो जाएगा प्लस 6 6 हो जाएगा 36 और 6 2 12y -12y इतना हो गया। फिर हम लोग इसको हल कर लेते हैं अंडर रूट x2 प्लस y2 है, तो y2 यह 6x है और यह -12y है, तो हो जाएगा -6x -12y। यह देखो प्लस 9 है या प्लस 36 है, 36 में 9 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 45, यानी जो हमें PQ का मान आ गया वह कितना आ गया अंडर रूट x2 प्लस y2 -6x -12y बराबर प्लस 45। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे किसकी बीच की दूरी, निकालेंगे QR के बीच की दूरी,
क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी बराबर हमारा क्यू का निर्देश दिया है कितना, यक्स कामा वाई, और हमारा यक्स वन बराबर हो जाएगा यक्स, और वाई वन बराबर कितना हो जाएगा वाई। और फिर हम लोगों को आर निकालेंगे, आर दिया है माइनस तीन कामा चार, तो यक्स टू बराबर हो जाएगा माइनस तीन, और वाई टू बराबर कितना हो जाएगा चार। अब इसके बीच की दूरी को निकाल लेते हैं, अंडर रूट यक्स टू, यक्स टू का मान दिया है माइनस तीन, माइनस यक्स वन का मान दिया है हमारा यक्स का होल स्क्वायर, प्लस वाई टू का मान दिया है चार, माइनस वाई वन का मान दिया वाई का होल स्क्वायर बराबर, यह भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित हमारा फार्मूला हो गया। तो माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे तो तीन तरीका माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस नौ प्लस यक्स स्क्वायर, फिर चार टू माइनस टू ए भी होता है तो दो तिया छह यक्स, प्लस हो जाएगा छह यक्स, प्लस चार चौके हो जाएगा सोलह, प्लस वाई स्क्वायर, चार दूना आठ वाई, माइनस आठ वाई हो गया बराबर अंडर रूट। अब यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, यह देखो प्लस नौ है और यह प्लस सोलह, सोलह नौ कितना हो गया पच्चीस हो गया, यहां पर छह यक्स है तो प्लस छह यक्स माइनस आठ वाई, यह हमारा आ गया क्यू आर के बीच की दूरी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें कह रहा जो पी आर है वह क्यू आर के बराबर है, पी आर जो है वह क्यू आर के क्या है बराबर है, तो हम लोग पी आर क्यू आर को बराबर कर देते हैं। अतः पी आर पी क्यू बराबर किसके है क्यू आर के, तो पी क्यू की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं रखते हैं, पी क्यू का वैल्यू हम लोगों को मिला है यक्स स्क्वायर, अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस छ यक्स माइनस बारह वाई प्लस पैतालीस बराबर, क्यू आर का वैल्यू मिला है अंडर रूट यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस छ यक्स माइनस आठ वाई प्लस पच्चीस, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो गया कट गया, फिर देखो हमारा यहां पर बचा यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर से कट गया, वाई स्क्वायर क्या हुआ वाई स्क्वायर से कट गया, हमारा यहां पर बचा माइनस छ यक्स, यहां पर प्लस छ यक्स, माइनस छ यक्स, और यहां पर हमारा बचा हुआ है कितना बारह वाई है, यह कितना है बारह माइनस बारह वाई है, और यहां पर माइनस आठ वाई है, क्या करें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस छ यक्स यहां पर है माइनस छ यक्स, फिर यह देखो प्लस छ यक्स है, इसको इस तरफ बुलाएंगे यह हो जाएगा माइनस छ यक्स, फिर यहां पर माइनस बारह वाई है तो माइनस बारह वाई, यह प्लस आठ वाई है इस तरफ आएगा माइनस आठ वाई बराबर, यहां पर प्लस पच्चीस है तो यहां पर प्लस पच्चीस, यहां पर प्लस पैंतालीस है तो इधर जाएगा माइनस पैंतालीस हो जाएगा बराबर। अब क्या करेंगे, माइनस छह हो जाएगा माइनस बारह एक्स, माइनस बारह वाई है, और यहां पर यह देखो माइनस आठ था इधर आएगा प्लस आठ, हो जाएगा माइनस चार वाई, और यह देखो पच्चीस में से पैंतालीस को घटा देंगे तो यह बचेगा पांच में से पांच किया जीरो, यहां पर बचा चार, चार में से दो घटाएंगे बचेगा कितना दो माइनस बीस। अब इसको इस तरफ बुला लेते हैं तो हो जाएगा माइनस बारह एक्स माइनस चार वाई, अब माइनस वाला इधर आ जाएगा यह हो जाएगा प्लस बीस बराबर जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर माइनस है तो माइनस से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे यहां पर हम लोग नोट कर लेते हैं, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा करने पर, माइनस से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा बारह एक्स प्लस चार वाई माइनस बीस बराबर कितना जीरो। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, चार से भाग दे देंगे, चार से भाग देने पर, चार से भाग देने पर, चार से भाग दे देंगे तो चार तिया हो जाएगा बारह प्लस चार एक कम चार, चार पचे बीस, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वह तीन एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, जो हमसे पूछ रहा था हमारा यक्स और वाई में जो संबंध है ज्ञात कीजिए, तो अतः यक्स वाई का संबंध है, अतः यक्स और वाई का संबंध है, यक्स और वाई का संबंध वह हमारा कितना है तीन एक्स प्लस वाई माइनस पांच बराबर जीरो, यही हम लोगों का क्या है आंसर है,
यही हम लोगों का क्या है आंसर है। इस प्रकार हमारा जो दसवां सवाल था वह पूर्ण रूप से क्या होता है, समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारा दसवें सवाल के साथ यह चैप्टर भी हमारा पूर्ण रूप से समाप्त होता है। तो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप अपना कमेंट में क्या कीजिए, अपना कमेंट कीजिए और हम उसको आपको क्या करेंगे आंसर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।